सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के तरन तारण से गांव चीमा के रहने वाले एक शख्स लखबीर सिंह की शुक्रवार सुबह बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या वारदात को अंजाम देने वाले एक निहंग सरबजीत ने शाम को प्रेस वार्ता कर अपने आप को कुंडली थाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसका मेडिकल कराने के बाद शनिवार को अदालत में पेश कर उसे पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि वारदात में शामिल अन्य लोगों का भी पता चल सके। रूप नु चाके ए गल कहंदा सी ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਚੱਲ ਜੂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਮੰਨਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ 19 ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਸ ਲੈਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਜੀ ਪੱਗ ਮਾਰ ਮਾਣ ਹੈ मैं दसना चाहना भी जेड़े लोग ये मोर्चे नू तारो पीट करना चाहते ने असी शांति बनाई रखनी है असी आने वाले समय दे विच भी इत्थे मोर्चे किड़ी नहीं फड़कण देनी वो आप नू समझ के आउण कि असी उहनू किवें असी नजिठणा है जेड़ा खालसा पंथ है असी चढ़दी कला दे विच असी मोर्चे की चढ़दी कला उन्ना चिर डटे रहांगे जिन्ना चिर यह मोर्चा हल नहीं हुंदा हुण पंथ इहदे नाल असी इहदी पैरवाई करांगे वधिया तों वधिया वकील करावांगे जिमें प्रशासन के हवाले कर रहे हैं योधे उस तरह इन बारे इज्जत मान देवे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।